अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान स्किन सॉल्यूशंस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक भी या वो इशू भी बहुत कॉमन है और गर्मियों के मौसम में हमारे पास बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होता है। क्या है? ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, और बल्कि वाइट हेड्स से ज़्यादा ही कुछ ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, और उसके साथ अनइवन टोन कि रंग जो है वो बिल्कुल डल हो गया है और दो तीन रंगों का फेस हो गया है, नेक का कलर ख़राब हो गया है और बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनते हैं। होता क्या है कि जब गर्मियों का मौसम होता है और गर्मियों के साथ बरसात भी मिल जाती है तो जो आपके ऑयल बनाने वाले ग्लैंड्स हैं, जिनको हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, या तेल बनाने वाले जो आपके ग्लैंड्स या खुली हैं, वो नेचुरली जो है वो ज़्यादा बिल्डअप बनाते हैं। इसका ये मतलब है कि मौसम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से नेचुरली जो है वो आपका ऑयल या सीबम जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। जो सफाई है वो इसलिए निस्फ़मान है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और ज़रूरत है। लेकिन सर्दियों में आपने अपनी स्किन की क्या रजीम रखनी है या क्या रूटीन रखनी है और गर्मियों के मौसम में क्या रखनी है वो मुख्तलिफ होती है और उसको मुख्तलिफ होना चाहिए क्योंकि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो भी डिफरेंट हो जाता है, आपका वेदर भी डिफरेंट हो जाता है और उसी वेदर के हिसाब से आपकी स्किन जो है वो भी डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। तो आप सेम चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। आप सर्दियों के मौसम का फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, नाइट क्रीम या कोई और चीज़ जो है वो गर्मियों में नहीं यूज़ कर सकते। हमें नॉर्मली इन तीनों चीज़ों से, अनइवन टोन से, वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स से बचने के लिए, या ओपन पोर्स भी होते हैं उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए या तीन चार चीज़ें हमारी रूटीन में क्या होनी चाहिए गर्मियों में। सबसे पहले आपका टोनर, टोनर प्लस क्लेंजर्स आते हैं जो कि टोन, जो जिसमें टोनर भी होता है और आपके पोर्स को डीपली साफ करने के लिए भी उसके अंदर सब कुछ डला हुआ होता है। इवन मेकअप को रिमूव भी उसी से किया जा सकता है। आपके पास टोनर प्लस क्लेंजर्स होने चाहिए, आपके पास क्लेंजर होना चाहिए, आपके पास फेस वॉश होना चाहिए, उसके बाद आपके पास जो है एक अच्छा सनब्लॉक होना चाहिए और फिर रात को लगाने वाली एक क्रीम होनी चाहिए। समटाइम्स कुछ केसेस में हम दो तरह की क्रीम्स भी लगवाते हैं रात में, डिपेंडिंग अपॉन द स्किन या उसकी जो कंडीशन है या जो इशू चल रहा है। और उसके अलावा जो है वो हफ्ते में दो से तीन दफ़ा एक्सफोलिएशन के लिए कोई सा एक्सफोलिएटिंग मटेरियल आपके पास होना चाहिए। होता क्या है कि जब सीबम ज़्यादा बन रहा होता है, ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव हुए हुए होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स, तो वो जो लेयर बनती है आपके फेस पे वो अंदर कुछ नहीं जाने देती। जब वो अंदर कुछ एब्जॉर्ब नहीं होने देती है और आपके पोर्स को क्लॉग कर देती है, तो जिस पोर के अंदर आपका जो सीबम है वो होता है वो आपको वाइट हेड बन के नज़र आता है और जिसमें डर्ट होती है या कैरेटिन होती है वो आपको ब्लैक हेड बन के नज़र आता है। ये दोनों तो इस तरह से बनते हैं। ओपन पोर्स इस वजह से बनते हैं कि शायद जो है वो आपकी स्किन ब्रीद नहीं कर पा रही है और बहुत ज़्यादा क्योंकि सीबम बन रहा है तो वो उसकी ओपनिंग आपको डायलेट होके या चौड़ी होके, बड़ी होके नज़र आ रही है। अनइवन टोन इसलिए होती है कि आपको कहते हैं कि आपने सन प्रोटेक्शन लगानी है लेकिन आप लोग नहीं लगाते। आप लोग कहते हैं मैं तो सुबह ऑफिस जाती हूँ, मैं तो सुबह कॉलेज जाती हूँ, मैं तो इनडोर्स रहती हूँ। भाई सनलाइट जो है वो दो तीन तरह से या दो तीन तरह की होती है और वो आपको तंग कर सकती है, आपका रंग डल करेगी, आपका अनइवन टोन कर देगी। उससे बचें। कैसे बचना है? बहुत आसान तरीका है, सनब्लॉक लगाएं। अगर आप सनब्लॉक लगा लेंगे और इतने अपनी स्किन को नॉर्मल रख सकेंगे या अच्छा रख सकेंगे, जो गर्मी क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत होती है, हमारे पास तो 8-8, 9-9 महीने गर्मी का मौसम रहता है, तो आप ख़राब तो नहीं होंगे ना। उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपना सनब्लॉक लगाएं। सनब्लॉक्स डिफरेंट तरह के होते हैं, इवन पाउडर फॉर्म में भी होते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, उनको पाउडर फॉर्म में दे देते हैं। फिर हमारे पास जेल फॉर्म्स में होते हैं, लोशन के फॉर्म में होते हैं, इवन क्रीम की फॉर्म में होते हैं, इवन डिफरेंट तरह के जो है वो कॉम्पैक्ट्स की फॉर्म में होते हैं। तो हर स्किन को कैटर करने के लिए हमारे पास सनब्लॉक्स हैं। आप एक दफ़ा रुजू तो करें, आप एक दफ़ा पूछें तो सही, आपको पता चल जाएगा, आप हर साल जो है वो गर्मियों में उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, अगर आप ये सब कुछ करते हैं और उसके बावजूद आपकी स्किन जो है वो ठीक नहीं होती है या डैमेज ज़्यादा हो गई हुई है, तो हमने क्या करना है? केमिकल पील विद माइक्रोडर्माब्रेशन इज़ समथिंग जो कि डिफरेंट पील्स डिफरेंट स्किन के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं और आपको इवन टोन वाली ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स
और टॉट पोर्स के साथ आपको डायलेटेड पोर्स कवर करने वाली पील्स जो हैं वो हम आपको दे सकते हैं और आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। इसका ये तरीका होता है कि अगर ज़्यादा ख़राब हो गई है तो आप हमारे पास आएँ, हम आपको एक रूटीन जो है उसके सारे के सारे प्रोडक्ट्स दे देंगे गर्मियों में यूज़ करने के लिए और आपकी स्किन की करेक्शन जो है या ट्रीटमेंट कर देंगे और फिर मेंटेनेंस जो है वो आप घर पे प्रोडक्ट्स यूज़ करके कर सकते हैं। माइक्रोडर्माब्रेशन जो है वो डेड लेयर ऑफ दी स्किन जो है उसको हटाती है और उसके साथ साथ जो भी हमने पील करनी है उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है ताकि उसका रिजल्ट जो है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो सके। जो पील्स होती हैं वो डिफरेंट हैं, सैलिसाइलिक एसिड की पील्स होती हैं, मैंडेलिक एसिड की पील्स होती हैं, ग्लाइकोलिक एसिड की होती हैं, वाइटनिंग के लिए ग्लूटाथायोन की पील्स भी होती हैं और उसके अलावा जो हैं वो डिफरेंट तरह की पील्स होती हैं, मिक्स एंड मैच भी होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर तीन चार तरह के इन्ग्रीडियंट्स होते हैं। ये स्किन टाइप को देख के और जितना डैमेज हुआ हुआ है और किस चीज़ को केटर करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से हम करते हैं। ज़्यादा करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, यूजुअली 2 या 3 सेशंस के अंदर आपकी स्किन जो है वो रिवाइव कर जाती है, कलर वाइज या टोन वाइज भी, और ओपन पोर्स भी उसमें कवर हो जाते हैं और उसके अलावा वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स भी क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस जो है वो आप घर पे कर सकते हैं। इसको कोई भी करवा सकता है, यंगस्टर्स भी करवा सकते हैं, बच्चे बच्चियाँ आदमी औरतें कोई भी इसको करवा सकता है जिसको ये लगता है कि वो सब कुछ करता है लेकिन उसकी स्किन जो है वो अनइवन टोन और ओपन पोर्स, उसके साथ वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बने हुए हैं और स्किन जो है वो मतलब इस मौसम में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, हम स्किन की कंडीशन देख के डिसाइड करते हैं कि पील कौन सी करनी है और कितनी दफ़ा करनी है। इसमें कोई पेन नहीं होती, इसमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है और इसका कोई डाउन टाइम नहीं है, कोई आपकी स्किन नहीं बाद में उतरती है, कोई आपने घर के अंदर नहीं रहना, नथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। आई थिंक सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि इस मौसम में आपने अपनी स्किन का लुक आफ्टर कैसे करना है और अगर लुक आफ्टर करने के बावजूद जो मैंने आपको गलतियां बताई हैं उनको करेक्ट करने के बावजूद आपकी स्किन जो है वो रिवाइव नहीं करती है या ठीक नहीं होती है तो फिर आपने हमारे पास आना है और हम आपको गाइड करेंगे बेहतर तरीके से।